हेलो बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे मैंने एक वीडियो ये किया है जिसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है और जिसमें सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो ये वीडियो क्लियर कर देगा। इसमें एक एक पॉइंट कवर किया है कि वेलोसिटी कब अंडर रूट 5gr होती है, क्या मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का एग्जैक्ट मतलब, क्रिटिकल वेलोसिटी √gr √5gr से हटके है क्या चीज़ें, कैसे कैसे डिफाइंड है, कब बॉल वर्टिकल सर्किल में सर्किल को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, कब नहीं छोड़ सकती, किस हाइट पे छोड़ेगी। इस तरह करते करते कंसेप्चुअली मैंने इस वीडियो को जितना हो सकता था उतना अच्छा बनाया और लास्ट में 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल कराए, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए। अभी वीडियो मेरा फिनिश हुआ, काफी लेंदी हो गया, अब इसमें कुछ ऐड करना भी टफ है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मैं एक सेकेंड वीडियो निकालता हूं जहां मैं कुछ रिलेटेड पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इसमें वो सवाल मिलेंगे जिसमें स्ट्रिंग से बॉब लटका है, तो आप कमेंट करके ये मत कहना कि स्फीयर वाले सवाल नहीं है। स्फीयर वाले सवाल के लिए पार्ट 2 बना देता हूं, ये पार्ट 1 है, इसको एंजॉय करो, बढ़िया से देखना। प्लीज इस वीडियो के लिए कॉपी और पेन लेके बैठना वरना वीडियो पूरा चला जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत प्यार से मैंने इन डिटेल एक 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 चीज निकाली है। हो सकता हो तुमने जो स्कूल में डेरिवेशन कर रखी हो वो ईजी हो और मैं शुरू में जो बता रहा हूं वो चीजें टफ लगे। तो जब भी कोई इंसान ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है तो वो टफ लगती है, तो मैं इन्फॉर्मेशन बहुत ढेर सारी दे रहा हूँ, धीमे 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 उसको ग्रास्प करना। एक घंटा पूरा अपना इस वीडियो को देना, फिर देखना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुम कितने धाकड़ हो जाते हो। तो पढ़ाई करिएगा, चलिए देखिए इस वीडियो को। हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का वीडियो नंबर 6 आज आ गया है, वर्टिकल सर्कल पे बात करेंगे। शायद सर्कुलर मोशन का एक अच्छा टॉपिक इसको आप मान सकते हैं, और यार हो सकता हो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो। इसमें जो सवाल आपने पढ़े होंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के पढ़े होंगे कि ऊपर जाके √gr अंडर √5gr, यहाँ टेंशन 6mg वगैरह वगैरह। तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको वो सवाल आता है तो वीडियो आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब आपकी फिर तैयारी ठीक है, इट्स ओके। तो मान लो यहाँ पे एक बॉल है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधी है जिसका रेडियस r है, और इसको मैंने v वेलोसिटी से यहाँ से फेंका, तो इसको सर्कुलर मोशन करना चाहिए था, इसके अगल बगल ऐसे घूमना चाहिए था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, घूमना था ही चाहिए था। पर हमने कहा कुछ ऐसा हुआ कि ये बॉल यहाँ पे आके सर्किल को लीव कर दी, ये जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये एंगल फाई कितना होगा इफ ये v की वैल्यू है √3gr, ये रेडियस r था, इसकी लेंथ मैंने बोला अगर यहां से जो हमने वेलोसिटी दी वो √3gr, तो कितने एंगल पे ये सर्कुलर मोशन करना बंद कर देगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो है इफ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इफ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट लेट इट बी व्हाट 5/3gr, देन वेदर टेंशन और वेलोसिटी बिकम्स जीरो या बोथ बिकम जीरो या वन ऑफ देम बिकम जीरो, क्या होगा पता नहीं। जैसे यहां से हम वेलोसिटी इसको दे अंडर रूट 5/3gr की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देंगे, तो इतनी वेलोसिटी देने पे हो सकता हो ये पूरा सर्किल घूमे, हो सकता हो जूम जूम वेलोसिटी कम पड़ जाए, यही सब कहानी है। तो मैं पूछ रहा हूं इतनी वेलोसिटी देने पे पहले इसकी वेलोसिटी जीरो होगी कहीं पे, भाई ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो पहले कहीं जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी या स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन जीरो होगा। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो वीडियो में आपके लिए कुछ खास नहीं है, और अगर नहीं आता है तो मेरा नाम है अलक पांडे और चैनल है फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुबह के बज रहे हैं 11:30 AM और टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार शुरू करते हैं, बढ़िया टॉपिक है। अब इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं आपका टॉपिक से। यहाँ एक बॉब मैंने बांध दिया और यहाँ एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो r है, बॉब का मास m है। अब यार इस बॉब को अगर मैं धीमा सा पुश दूं तो वो यहीं पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, थोड़ा तेज पुश दूं और लंबे लंबे ऑसिलेशन करने लगेगा ऐसे, और ज़्यादा पुश दूं तो ऐसे, मान लो ये बंधा है ना यहाँ पे, यहाँ से कंस्ट्रेंड है, क्या है कंस्ट्रेंड है मोशन, तो उसको सर्कुलर पाथ में ही करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंड है। और कस के वेलोसिटी दूंगा तो शायद पूरा चक्कर घूम ले, चक्कर घुमाना है, ठीक है, मतलब ज्यादा तेज इसको अगर हम फेंकेंगे तो ये पूरा चक्कर घूम लेगा,
कम तेज फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, और तेज फेंकेंगे तो यहां से यहां तक कर सकता है। तो इन्हीं सब कहानियों पे हमको पूरा डिस्कशन करना है कि कितनी वेलोसिटी पे क्या होगा, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि पूरा चक्कर हो जाए, उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, उस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें हैं। तो शुरू करते हैं यहां टॉपिक को। मैं यहां पे एक सर्कल बना लेता हूं इमेजिनरी, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सर्कल दिख रहा है, चपटा आलू बन गया सर, अब सही है। हाँ, मान लो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ए, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा बी और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सी। इन तीन पॉइंट की एनालिसिस करके सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी, है ना। डी पॉइंट पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी और डी सेम हो जाएंगे। तो ए बी सी तीन पॉइंट की एनालिसिस है पूरी कहानी में, बस। नोट्स निकाल लो आज, पेन और कॉपी की आज बहुत जरूरत है इस टॉपिक में, बिना पेन पेपर के इसको देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो नोट्स निकाल लो, और अगर आपको धीमा लगे तो इनटू टू कर लेना, फिर मैं कुछ 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 पढ़ाने लगूंगा, ठीक है, जैसे हमारे पास यहां पे क्लास है ऐसे पढ़ाने लगूंगा, बट नोट्स और पेन ले लो। चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेंशन, टॉपिक बहुत प्यारा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि चीजें ध्यान दो, बहुत प्यारा टॉपिक है ये और बहुत अंदर तक जाएंगे हम लोग, बहुत डेप्थ तक बातें कर लेंगे इसकी, तो तैयार रहना। मान ले मैंने इसको यहां से, समझ में भी सब आएगा, टेंशन मत लो, मैंने इसको यहां से वेलोसिटी दी वी ए, इस जगह से मैंने इसको एक वेलोसिटी दी वी ए और छोड़ दिया। वेलोसिटी देने से ये आगे बढ़ा और मान लो बढ़ के इस जगह तक पहुंचा। पहला सवाल ये है कि यहां पे इस बॉब पे लगने वाला टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो ये मास एम था, यहां पहुंचा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ एम जी, एक फोर्स लगेगी इस तरफ टेंशन टी। मान लेते हैं ये एंगल कितना है थीटा, थीटा एंगल पे पहुंचा टेंशन टी नीचे एम जी। और कोई फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल लगा दूं, लगा लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल। हम सोचते हैं कि हम इस बॉब के ऊपर बैठे हैं, तो ये बॉब कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब हम कैसे फ्रेम में हो गए, नॉन इनर्शियल, तो बाहर की तरफ एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी, एम वी स्क्वायर बटे आर। देखो ये लेंथ कितनी है, आर है, है ना, सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। v कौन सी वेलोसिटी है, v इस जगह की वेलोसिटी है, यहां आते आते वेलोसिटी भी कम होगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यही तो बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। नोट्स में डालिए, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नो इट कैन नेवर बी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें स्पीड कॉन्स्टेंट रहे, वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो वैल्यू है v की वो कॉन्स्टेंट रहे। पर वर्टिकल में v की वैल्यू कैसे कॉन्स्टेंट रहेगी यार, है ना, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो मत बोलना, सिखाएंगे अभी। बस ये समझो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें स्पीड भी लगातार चेंज हो रही है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। एनीवेज, तो यहां पे मैंने लिख लिया एम वी स्क्वायर बाई आर। अब मुझे देखना है कि इस टेंशन की वैल्यू क्या है, तो एम जी का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, यस, क्योंकि थीटा एंगल है तो mg cos थीटा। अब इन सारी फोर्सेस के प्रेजेंस में ये बॉल हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई, क्योंकि आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा ही दिया। तो यहां से t की वैल्यू आप लिख सकते हो mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। t अंदर की तरफ है और बाकी ये दोनों फोर्स बाहर की तरफ है। इसी क्वेश्चन को सेंट्रीपिटल से भी कर सकते थे, कोई मना ही नहीं है। तब आप सेंट्रीफ्यूगल को हटा देना, T अंदर की तरफ mg cos थीटा बाहर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल। मान लो सेंट्रीपिटल से करने है किसी का मन है, तो टेंशन इधर और बाहर की तरफ mg cos थीटा, सेंट्रीफ्यूगल हटा दो। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितनी है, T माइनस mg cos थीटा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर T माइनस mg cos थीटा। और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बच्चों होती है सेंट्रीपिटल, इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय R, net force towards the center is centripetal. वहां से देखो टेंशन की वैल्यू यही आ रही है। तो जैसे करना चाहो, centripetal से या centrifugal, centrifugal से करेंगे सुंदर लग रहा है देखने में। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे एक बात मैं करता हूं कि बच्चों एक बात ये समझो कि A से लेकर B तक, ध्यान से सुने मेरी बात, A से लेकर B तक थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेके 90 डिग्री, यहां पे थीटा जीरो, बढ़ते 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 90। cos 0 is positive, cos 90 is positive, cos 40, 30, everything is positive. मतलब इस रेंज में cos theta positive होता है, first quadrant है, 0 से 90 degree first quadrant में cos positive. cos positive बच्चों v square तो positive होगा ही, मतलब
टेंशन विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। इसका क्या सिग्निफिकेंस है समझते हैं, इसको नोट करेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। इफ टेंशन इज जीरो और टेंशन इज लेस देन जीरो, जीरो या जीरो से कम हो गया मतलब पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग स्लैक्स ढीली पड़ जाएगी, स्ट्रिंग स्लैक्स पार्टिकल बॉल बॉब जो भी है लीव्स सर्कुलर पाथ। देखो अगर टेंशन जीरो हो गया ना तो बॉल को कोई खींचने वाला अंदर की तरफ है ही नहीं, तो वो अब बाध्य नहीं है, वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर्कुलर मोशन के लिए, अब उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक टेंशन पॉजिटिव है तब तक कंस्ट्रेंड मोशन होगा, कंस्ट्रेंड मतलब सर्कुलर मोशन, अब इसको कैसी भी वेलोसिटी दो इसको सर्कल में घूमना पड़ेगा। पर अगर कभी टेंशन जीरो हो गया तो वो कंस्ट्रेंड वाली बात खत्म हो गई, टेंशन जीरो अब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो कैसा भी पाथ ले सकता है, कंस्ट्रेंड मतलब होता है रोक टोक, अब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। सो इफ टेंशन बिकम जीरो और टेंशन बिकम्स नेगेटिव एक ही बात है, तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी और पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो मेरा आंसर दो, क्या ए से बी के बीच में पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है कभी भी? कैन पार्टिकल लीव सर्कुलर पाथ बिटवीन ए एंड बी? धीमे धीमे समझो, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या कहते हो? नो, कभी नहीं, क्योंकि टेंशन हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। ए से बी के बीच में वी की कुछ भी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है, वी नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा इतने में, है ना? वी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? जीरो हो जाएगी। हो सकता हो वेलोसिटी कहीं पे जीरो हो जाए, आई एग्री, हो सकता हो वेलोसिटी कहीं पे जीरो हो जाए, कोई बात नहीं, जहां वेलोसिटी जीरो होगी वहां से वो वापस लौट के इधर चला जाएगा, मतलब अभी भी घूमेगा किस में? सर्कुलर आर्क में, है ना? अगर कहीं पे जाके वेलोसिटी पहले जीरो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, किस में घूमेगा वो? सर्कुलर आर्क में। वी की वैल्यू छोटी है, आप छोटी सी वेलोसिटी रहेगा किसमें? सर्कुलर आर्क में। तो ए से बी में सर्किल लीव करने का कोई सवाल पैदा कभी भी नहीं होगा, उसे कौन सा मोशन करना है, टू एंड फ्रो मोशन करना है या आर्क में मोशन करते रहना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें बच्चों जो अगला सवाल बनता है वो बनता है कि आप टेंशन की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वी थीटा एम जी आर। ठीक है, तो अगला सवाल मैं यहां पे लिख दूं, ये चीज नोट कर ली है ना, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पीछे ले जाके पॉज करके नोट कर लो, टेंशन जीरो या नेगेटिव तब स्ट्रिंग स्लैक, और पॉजिटिव तो स्लैक नहीं करेगी, स्लैक नहीं करेगी तो सर्कुलर पाथ में रहेगा। नेक्स्ट, फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ वी ए आर थीटा जी एम। चलिए ट्राई करिए, आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है टर्म्स ऑफ वी ए, ये तो वी के टर्म्स में था, अब वी ए के टर्म्स में आर थीटा जी और एम के टर्म्स में यू हैव टू फाइंड टेंशन। अगला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को ट्राई करें, क्या आप कर पा रहे हैं? पॉज करें वीडियो को, ट्राई करें सवाल को। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ वी ए आर जी एम एंड थीटा। ओके, वी नहीं होना चाहिए, कैसे करोगे आओ देखते हैं। अब हम ए से जा रहे हैं इस पॉइंट तक, ठीक है, ए यहां तक, तो हम वर्टिकली बच्चों कितना ऊपर गए, हम वर्टिकली इतना ऊपर गए, ये वैल्यू कितनी है पता चल जाए तो काम बन जाएगा, कैसे काम बनेगा दिखाते हो तुम बच्चों। ये कितना है आर, तो आर का इस तरफ कंपोनेंट, ये वैल्यू कितनी होगी आर कॉस थीटा, यस और नो? सी दिस इज आर, दिस इज एंगल थीटा, तो R का इस तरफ कंपोनेंट R cos थीटा। बच्चों यहां से यहां पूरा कितना है, रेडियस R ही है, यहां से यहां R था, इसमें से R cos थीटा चला गया बच्चों, तो ये कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी R माइनस R cos थीटा, ये सोच रहा हूं, यहां से VA से फेंका यहां तक पहुंची, मैंने यहां बनाया R का इधर कंपोनेंट R cos थीटा, ये पूरा R, R में से R cos थीटा गया, कितना बचा R माइनस R cos थीटा। तो आप ध्यान से देखो, ये VA वेलोसिटी से फेंका गया और यहां जाके इसकी वेलोसिटी कितनी है, V है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है R माइनस R cos थीटा। अच्छा बच्चों आप देख रहे हो यहां पे कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे एक फोर्स टेंशन की है जो कि वर्क जीरो कर रही है, कैसे?
टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, हमेशा एंगल कितना है 90, मतलब वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो, मतलब यहाँ या तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, बाकी ग्रेविटी की लग रही है जो कि कंजर्वेटिव होती है। तो यहाँ जितनी फोर्स लग रही है वो कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, और जो टेंशन की फोर्स लग रही थी उसका वर्क डन जीरो है, 90 डिग्री पे है डिस्प्लेसमेंट से। ऐसी जगहों पे बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बड़े प्यार से लगा सकते हैं, हाँ या ना, क्या लगा सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक पॉइंट ये उठा लो, एक पॉइंट ये उठा लो और लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलोगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हाइट मान लो जीरो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जाके बच्चों यहाँ से इसकी हाइट कितनी है आर माइनस आर कॉस थीटा, तो इस जगह पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी एच, एच की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा, बोलो सही है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे एम जी एच, एच की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से आपको स्मॉल वी की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ वी है, एम से एम, एम से एम सब मर जाएंगे, यहाँ से टू हमारा कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर, ये आएगा यहाँ से वी स्क्वायर इधर गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा वी ए स्क्वायर माइनस टू जी आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आपको वी की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ वी ए, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो टेंशन मिल जाएगी, ठीक है, इसमें पुट कर दोगे तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, तो टेंशन इज एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, तो एम वी स्क्वायर की जगह वी ए स्क्वायर माइनस टू जी आर माइनस आर कॉस थीटा, देखो शुरू में दर्द होगा मैं समझ रहा हूँ, पर जितना तुम इसको पकड़ोगे उतना बाद में सब चीज़ें आसान लगेगी, प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो होगा क्या, ये क्या आएगा एम वी ए स्क्वायर बटे आर माइनस, ये आर कॉमन ले लूँ तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एम जी वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आएगा टेंशन, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम जी प्लस टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा थ्री एम जी कॉस थीटा, तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बटे आर, ये टू एम जी माइनस टू एम जी और माइनस माइनस प्लस टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी प्लस थ्री एम जी कॉस थीटा, और क्या आ रहा माइनस टू एम जी। सर हमें तो बड़ा आसान लगा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं था उसके अंदर, ठीक है ना, माइनस टू एम जी, ये आ रही टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी ए अगर आपसे पूछता है। ध्यान से देखो, हमने टेंशन निकाल ली इन टर्म्स ऑफ वी ए एम आर जी थीटा, वी ए आर थीटा जी एम के टर्म्स में, ठीक है। क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको एक कहानी बहुत समझ में आई कि पूरे रास्ते में उसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जाएगी। हाइट कैसे निकालना है वो भी सिखा दिया कि मान लो यहाँ से यहाँ ऊपर गया इतनी हाइट, एच हाइट, एच हाइट कैसे निकाली, आर का इधर कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ये आर तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर वहां से सॉल्व करते हुए वी की वैल्यू निकाली और वी की वैल्यू उठा के टेंशन के एक्सप्रेशन में रख दी। टेंशन का एक्सप्रेशन कैसे निकाला था, याद है टी इधर ये इधर, तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, और वी की जगह ये एक्सप्रेशन रख के फाइनली हमको ये एक्सप्रेशन मिला एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस टू एम जी। ओके, अब इसमें से वेरिएबल हट गया वी, है ना, दिक्कत थी ना, वेरिएबल वी था जो कि लगातार चेंज हो रहा था। अब ये जो इक्वेशन है ये पूरे सर्कल पे लगा सकते हैं, ये फायदा हुआ, नोट करें, लिखो एप्लीकेबल फॉर होल सर्किल, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, इसको याद नहीं करना है,
याद जहां पे जो करना होगा बता दिया जाएगा आपको, अभी समझते चलो। बट दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर होल सर्किल, फील दिला रहे हैं आपको। क्यों होल सर्किल के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि भाई इसमें जितनी भी चीजें हैं सब यहां से हैं, जो कि गिवन है। अगर मैं इस v वेलोसिटी को रखता तो ये तो समय के साथ बदलती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्पीड कम होगी। तो इसलिए मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी विच इज एप्लीकेबल फॉर होल सर्किल। ओके, मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं। तो अभी तक दो पॉइंट क्लियर हो गए हमको कि एक तो ए से बी के बीच में टेंशन जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ सकता, टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, आर्क में मोशन कर सकता है। और दूसरी चीज हमें समझ में आई कि अगर हमको टी की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी ए आर थीटा एम जी, सो दैट इज द एक्सप्रेशन विच इज रिटन ओवर देयर। हमें समझ में आया कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा स्पीड भी निकालने के लिए, और उसको कैसे वर्कआउट करना है ये भी सीख लिया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो टेंशन का ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, एम वी ए स्क्वायर बराबर प्लस थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस टू एम जी, ए बी और सी। अगला सवाल बच्चों आपको खुद से करना है कि आपको बताना है इनमें से क्या सही है, टी ए ग्रेटर देन टी बी ग्रेटर देन टी सी, टी सी ग्रेटर देन टी बी ग्रेटर देन टी ए, टी ए इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, या नन। तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, ऐसे पढ़ो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे रूट जी आर से कौन स्टार्ट करता है, पागल है ऐसे। चलो अब तुम्हें ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ए पे बी पे कि सी पे, कि उल्टा कर दिया मैंने सी पे बी पे ए पे। टेंशन का ऑर्डर क्या होगा कि सब जगह टेंशन बराबर होगा, आइए इसको डिटरमाइन करके देखते हैं। तीनों पॉइंट पे टेंशन निकाल लेते हैं, टेंशन ए पे निकालते हैं। ए के लिए बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ए के लिए मैंने थीटा की वैल्यू रख दी जीरो डिग्री, तो हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर बाई आर कॉस जीरो इज वन प्लस थ्री एम जी माइनस टू एम जी दैट इज एम जी, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, थ्री एम जी माइनस टू एम जी एम जी। आइए टी बी की वैल्यू निकालते हैं, थीटा जब कितना हो जाए 90 तब हम पहुंच जाएंगे टेंशन एट बी, यहाँ पे कॉस 90 इज जीरो मर गया, एम वी ए स्क्वायर बाई आर, देखो वी ए तो सबके लिए सेम रहेगा ना, इसीलिए मैंने वी को हटाया ताकि ऐसा वेरिएबल मिले, ऐसा वैल्यू मिले सबके लिए सेम हो। कॉस 90 ये जीरो हो गया माइनस टू एम जी, इन दोनों में से कौन सा टेंशन बड़ा है, साफ साफ ए बड़ा दिख रहा है, प्लस एम जी है यहाँ पे माइनस टू एम जी। लास्ट टेंशन एट सी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 180, सी पे जाते जाते थीटा कितना हो जाएगा 180, कॉस 180 इज माइनस वन, सो दिस विल बी एम वी ए स्क्वेयर बटे आर, थ्री एम जी कॉस 180 माइनस वन माइनस थ्री एम जी माइनस टू एम जी दैट इज माइनस फाइव एम जी। अब आप इजली बता सकते हो टेंशन कहाँ पे सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये, और सबसे छोटी वो माइनस फाइव एम जी, यहाँ पे माइनस टू एम जी, यहाँ पे प्लस एम जी। सो द ऑर्डर विल बी टेंशन एट ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट सी। नोट करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि सबसे ज्यादा टेंशन सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे होती है और उसके बाद टेंशन लगातार घटती जाती है, यहाँ पे उससे कम, सी पे उससे कम। जैसे एग्जाम में आपको ये पॉइंट दे दे और पूछे टेंशन सबसे कम कहाँ है, तो आप बता सकते हो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेंशन कम होगी। यानी पहले इतना नोट कर लिया, टेंशन सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। इन टर्म्स ऑफ वी आपसे टेंशन निकालने को बोलता है तो आप कभी भी निकाल सकते हो। दो चीजें करनी होगी, एक तो थीटा एंगल बना के टी की ये इक्वेशन लिख लेना, और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल के यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेना, एक्सप्रेशन में पुट कर देना टेंशन। देखो एक तो पहले ये थीटा एंगल बना के टेंशन की इक्वेशन लिखना, दिक्कत क्या होगी, ये स्पीड नहीं पता होगी, स्पीड पता करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना जो मैंने लगाया था। खैर अभी सीखेंगे यार, अभी कितना ही टाइम हुआ, 10-15 मिनट 20 मिनट, अभी तो वीडियो बहुत कुछ सीखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अभी सिर्फ इतनी बात मैंने बताई कि टेंशन की वैल्यू धीमे धीमे कम हो रही है, सबसे ज्यादा यहाँ, फिर उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें क्लियर मिटा दूं। ओके, इन सब कुछ याद नहीं करना है किसी को, बस अभी फील दे रहा था मैं आपको। तो कुछ चीजें आपको फील हुई कि किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो ये सब डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ये वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसको निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर आपको समझ में आया धीमे धीमे स्पीड कम होगी ऊपर जाने पे और धीमे धीमे टेंशन भी कम होगा ऊपर जाने पे। वेरी क्लिकिंग पॉइंट, धीमे धीमे स्पीड भी कम होगी और धीमे धीमे टेंशन भी कम होगा। चलो भाई, तो मैं इतनी चीजों को मिटाता हूं, आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं, ए से बी के बीच में क्या पार्टिकल सर्किल को छोड़ सकता है? तो आपने बोला नहीं, ए से बी के बीच में टेंशन हमेशा कैसी थी हमारी, पॉजिटिव थी।
ए से बी के बीच में टेंशन हमारी कैसी थी, हमेशा पॉजिटिव थी, और पार्टिकल सर्किल को नहीं छोड़ सकता, तो बी से सी के बीच में छोड़ सकता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे है, विच पॉइंट बिटवीन बी एंड सी हैज मैक्सिमम रिस्क वेयर पार्टिकल कैन लीव सर्कल। किस जगह पे सबसे ज्यादा रिस्क है, ए से बी में तो नहीं छोड़ सकता, आपने कह दिया टेंशन पॉजिटिव है, हमने मान लिया आपकी बात, ठीक है यार, ए पे नहीं छोड़ सकता और बी तक, क्योंकि यहां से यहां क्या हुआ, हमने देखा यहां से यहां, हमने देखा टेंशन की वैल्यू पॉजिटिव है, पर यहां तो छोड़ सकता है इसके बाद तो, कि नहीं छोड़ सकता, देखते हैं ये। और अगर छोड़ सकता है तो कहां पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, बी पे कि सी पे, तो आइए देखते हैं। एक काम करते हैं, यहां से हम मान लेते हैं कि बॉब यहां तक पहुंच गया है, ठीक है, अब बी से आगे चले, तो अब हम पाथ कंसिडर कर रहे हैं, इसके बाद ये सवाल का आंसर भी आपको देना है कि सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे होगा सर्किल को छोड़ने का। तब हम कंसिडर कर रहे हैं पाथ बी से सी वाली, लेट दिस एंगल बी फाई, नीचे वाले को थीटा लिया था, इस वाले को फाई मान लो, अच्छा यहां पे नीचे की तरफ फोर्स एम जी, अंदर की तरफ टेंशन टी, और क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल ले रहे हैं तो सर्किल से बाहर लगा देंगे इधर एम वी स्क्वेयर बाई आर, आर रेडियस, वी इस जगह की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी कितनी है वी ए, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, तो एम जी का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, एम जी कॉस फाई। बोलिए कोई डाउट है इसमें, यहां बना दूं मैं डायग्राम को फिर से, डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये एंगल फाई है, ये बॉब है, तो इस तरफ फोर्स एम जी, अंदर टेंशन टी, बाहर एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये एंगल भी कितना हो जाएगा फाई, ये फाई तो ये फाई, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस फाई। तो अगर अब मैं फोर्स बैलेंस करूं बच्चों तो मैं लिखूंगा अंदर की तरफ फोर्स कितनी है एम जी कॉस फाई और टेंशन टी, और बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल लगाया है, सेंट्रीफ्यूगल लगाने के बाद फोर्स को बैलेंस करते हैं, और सेंट्रीपिटल लगाते ही नहीं है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल से कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है यहां तक, ये एंगल फाई तो ये फाई, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस फाई, टेंशन टी एम वी स्क्वायर बाई बार बाहर, ये इक्वेशन। तो बच्चों यहां से टेंशन की इक्वेशन बनेगी एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस फाई, ठीक है भाई। अब आपको दिख रहा है यहां पर टेंशन के नेगेटिव होने के चांस अच्छे खासे हैं, दिख रहा है, बढ़िया चांस है टेंशन के नेगेटिव होने के, अभी तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वी की जगह वी ए रखूंगा, वो अलग कहानी है, चांस है यहां पर टेंशन के जीरो होने का। अब आप मेरे को बताओ टेंशन का सबसे ज्यादा चांस कहां पे है जीरो होने का, तो यार टेंशन सबसे कम कहां पे था, सी पे, टेंशन घट रहा है घट रहा है घट रहा है, सबसे पहले कहां जीरो हो सकता है, सबसे पहले सी पे जीरो हो सकता है, सबसे ज्यादा चांस सी पे है। अगर टेंशन सी पे बच गया ना तो बाकी सब जगह बच जाएगा और सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर बॉल सी को पार कर गई तो डेफिनेटली पूरा सर्किल पार कर जाएगी, एक बार सी पार हुआ तो फिर घूमती रहेगी, है ना, तो वो सी वो पॉइंट है जो सबसे रिस्की है। अगर टेंशन सी पे बच गया तो बी पे भी बचेगा, हर जगह बचेगा, क्योंकि सी पे सबसे कम टेंशन था। सो फॉर कंप्लीट सर्कल टेंशन एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बचाने का यही मतलब है टेंशन को पॉजिटिव रखें, मिनिमम से मिनिमम जीरो से थोड़ा सा बड़ा रखें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया, जीरो पे भी खेल खत्म हो जाएगा, असल में सी पे ना जीरो पे भी खेल बच जाएगा, अभी दिखाएंगे। खैर टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर सी तक कहानी बच गई तो पूरी बच जाएगी, तो यार इस इक्वेशन को उठा के सी पे रख देते हैं, दैट इज एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी कॉस फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा एम से एम कैंसिल होगा, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर कॉस फाई, यस सही है, वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर कॉस फाई, यानी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस फाई। मैं जानता हूं आपका सवाल बहुत ढेर सारे हैं, सबसे पहला जो सवाल है वो आपका है कि सर टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो,
अगर जीरो हो जाएगा तो यहां पर टेंशन जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। नोट करें एट सी, नोट करें एट सी, इवन इफ टेंशन इज जीरो, एट सी इवन इफ टेंशन इज जीरो, वेलोसिटी विल ड्राइव द सर्कल। भाई बाकी जगह वेलोसिटी ड्राइव नहीं कर सकती, सी पे एक सेकंड को अगर टेंशन जीरो हुआ तो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो बॉल को थोड़ा सा इधर करेगी, और जैसे ही इधर आएगा टेंशन वापस गेन होने लगेगा। यहां से यहां टेंशन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, जीरो हुआ। पर अगर थोड़ा सा इधर एक सेकंड भी इतना भी वेलोसिटी को थोड़ा तो आगे ले आएगी, जैसे ही आगे आएगा टेंशन क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। ये चीज और कहीं नहीं हो रही थी, जैसे मान लो यहां पर टेंशन जीरो हो जाए तो इसके बाद टेंशन घटेगा। इस जगह पर टेंशन जीरो होता है तो फायदा है, इसके अगले पॉइंट पर टेंशन बढ़ना स्टार्ट होगा, नीचे आ रहे हैं। सो एट सी इवन इफ टेंशन बिकम्स जीरो, एट सी इवन इफ टेंशन बिकम जीरो, वेलोसिटी विल ड्राइव द सर्किल ड्यू टू इनर्शिया। वेलोसिटी थोड़ा सा उसको आगे लाएगी, टेंशन गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आई नेक्स्ट टॉपिक, आप डालेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये लिखा रहे दो टेंशन है किसी भी पॉइंट पे, आर्बिट्रेरी कौन सा पॉइंट, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच के पॉइंट का। अब टॉपिक आया बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी। पहली चीज, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपने अंडर रूट जी आर याद करके रखी है तो उसको दिमाग से निकालो। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या डिफाइंड है? क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइंड है ऐसी वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, ऐसी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जिसके लिए उस पॉइंट तक हम पहुंच सकें। सर्किल नहीं कंप्लीट कराना है, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब नहीं है सर्कल कंप्लीट हो जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब कि ऐसी वेलोसिटी हो कि भाई उस पॉइंट तक पहुंच सके। क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग डजंट स्लैक एट दैट पॉइंट। ये कंडीशन है किसी भी पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिसके लिए स्ट्रिंग उस पॉइंट तक स्लैक ना करे, वो उस पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी है। सी पे कम से कम कितनी वेलोसिटी हो कि स्ट्रिंग स्लैक ना करे, दैट वेलोसिटी इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। इसी तरह से बी पे भी क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकती है, बी पे कम से कम कितनी वेलोसिटी हो कि स्ट्रिंग स्लैक ना करे। अब आप बोलोगे सर बी पे तो स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती, करेगी। बी दो तरह का है, एक बी है ए से बी के बीच का बी, एक बी है बी से सी के बीच का बी। स्ट्रिंग यहां से यहां में स्लैक नहीं कर सकती थी क्योंकि टेंशन पॉजिटिव था, इसमें तो कर सकती है, तो बी के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो सकती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग डजंट स्लैक एट दैट पॉइंट। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी यहां भी निकल सकती है, यहां भी निकल सकती है, दोनों पॉइंट पे नहीं और कहीं और भी निकल सकती है। अच्छा, लेट अस फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। तो अगला हेडिंग डालो क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, इसको मिटा दूं मैं, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। तो सी पे ऐसी वेलोसिटी हो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमने यार कंडीशन बनाई ली थी एट सी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये टेंशन की वैल्यू है, तो वी आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस फाई। अच्छा, सी पे फाई की वैल्यू कितनी होने वाली है? थीटा अलग था, फाई अलग है, फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एट सी फाई इज इक्वल टू जीरो, कॉस फाई इज वन, वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर। तो कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट जी आर हो या अंडर रूट जी आर से ज्यादा हो तब बॉडी सी पे भी स्लैक नहीं करेगी, और अगर स्लिप स्लैक नहीं की तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, एंड सर्किल कैन बी कंप्लीटेड। अब सी वाली जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, एक तो वो टेंशन को बचा रही है, और अगर सी पे टेंशन बच गया तो पूरे रास्ते बच गया, मतलब सर्कल मोशन भी कंप्लीट हो गया। तो नोट करके लिखेंगे, इफ वेलोसिटी एट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर, इफ वेलोसिटी एट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर, देन टेंशन एट सी
is greater than equal to 0 and tension everywhere is greater than equal to 0. Yahan bach gaya tension to baki sab jagah bachega and circle can be completed. To root gr se zyada speed hai to circle complete ho sakta hai. ठीक है तो C पे कितना रूट जी आर से ज्यादा हो तो सर्किल कंप्लीट हो सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि B पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है ना, आप मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी B पे बताओ. क्या B पे भी क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकती है? बिल्कुल कहीं भी हो सकती है. क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी कि उस पॉइंट पे टेंशन नेगेटिव ना हो, बॉल स्लैक ना करे. तो क्रिटिकल वेलोसिटी आप मुझे निकालो एट B. अब देखो टॉपिक चेंज कर रहे हैं मैं, तो v की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर कॉस फाई. अब b पे फाई की वैल्यू 90 होगी, हाँ कॉस 90 की वैल्यू 0. होए होए, b पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है? 0. v पे वेलोसिटी 0 या 0 से ज्यादा हो तभी स्लैक नहीं करेगा. यहां चक्कर घुमाने की बात नहीं कर सकते. क्रिटिकल वेलोसिटी असल में ना किताबों में डेफिनेशन ही गलत दे देता है. किताब में देता है क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके लिए पार्टिकल पूरा सर्किल घूम ले. नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छी किताबें पढ़ो. क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके लिए स्ट्रिंग उस जगह तक स्लैक ना करे, वहां तक पहुंच जाए. जैसे सी की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट जी आर है, मतलब अब वो सी तक पहुंच जाएगा. इत्तेफाक से सी ऐसा पॉइंट है कि अगर सी तक पहुंचा तो पूरा चक्कर घूमना स्टार्ट कर देगा. जैसे B के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो. B पे 0 हो या 0 से ज्यादा हो बस. पर B पे पहुंचने पे जरूरी नहीं है कि पूरा चक्कर घूमे. इसका मतलब यह है कि B तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी. अच्छा, क्लियर है? तो दो क्रिटिकल वेलोसिटी याद रखो कि यहां तक पहुंचना है तो वेलोसिटी कितनी हो रूट जी आर, यहां तक पहुंचना हो तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो 0 मिनिमम. इस जगह पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है 0 जिसके लिए स्ट्रिंग स्लैक ना करे. इस जगह पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है रूट जी आर जिसके लिए स्ट्रिंग स्लैक ना करे. बहुत बढ़िया, ठीक है. क्रिटिकल वेलोसिटी की कहानी क्लियर हो गई. नाउ दीज टू थिंग्स कुड हैव बीन डिराइव्ड वेरी इजिली. यस, इसको मैं बहुत ही हलवे तरह से भी डिराइव कर सकता था. तो सर आपने टफ क्यों बनाया? मैंने भाई तुमको वेरिएबल्स इस कहानी समझाई, मतलब इसको बहुत इजीली कर सकता था. अगर मैं एट सी चलता और मुझसे कोई कहता क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो, तो देखो मैं सी का डायग्राम बना रहा. नीचे की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ एक और फोर्स कौन सी एम जी. सी पे डायग्राम बना रहा हूं सीधा टेंशन टी. ऊपर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, सही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंगल की जरूरत ही नहीं. नीचे की तरफ टी एम जी, ऊपर की तरफ वी स्क्वायर बाई आर. यहां से टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर. टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी. अब स्ट्रिंग को स्लैक नहीं होने देना है, मतलब टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां से आएगा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर. आ गया सीधा क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी. सी पे वेलोसिटी ये या इससे बड़ी होगी तो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी. और इत्तेफाक से सी पे नहीं स्लैक की तो कहीं नहीं करेगी और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसे भी डिराइव कर सकते थे शॉर्टकट से. जैसे बी पे पहुंच जाओ, मैं आपको एंगल से समझाना चाहता था चीजों को. एट बी एंगल से खेल लोगे ना तो न्यूमेरिकल ईजी हो जाएंगे. एट बी, बी पे पहुंचे, ये रहा बी पॉइंट, एक फोर्स नीचे की तरफ एम जी, अंदर की तरफ टी, बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, सही है. अब देखो एम जी का कोई कॉम्पोनेंट टी और एम वी स्क्वायर बाई आर से छेड़खानी नहीं कर रहा, मतलब टी किसके इक्वल है एम वी स्क्वायर बाई आर. हमने बोला टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी, बी पे वेलोसिटी 0 या उससे ज्यादा होगी तो वहां टेंशन 0 या उससे ज्यादा होगा और स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी. सो ऐसे भी डिराइव कर सकते थे, बिट इजी. या आई नो, ओके. अब चलते हैं और डिटेलिंग में. अब हम आपसे पूछते हैं कि A पे कितनी वेलोसिटी हो कि पार्टिकल C तक पहुंच जाए, या A पे कितनी वेलोसिटी हो कि पार्टिकल B तक पहुंच जाए. ठीक है, फाइंड फाइंड वेलोसिटी एट A सच दैट पार्टिकल रीचेस C.
या ये भी बोल सकते हो पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कल, सी पे पहुंचा तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, और दूसरे में आप बी तक भी निकालेंगे। चलिए शुरू करें, तो दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो ए, एक पॉइंट सी लो ली, और लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन है नहीं, टेंशन वर्क कर नहीं रहा है, तो यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू सी प्लस के सी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सी कितना ऊपर है, ये रहा आर, ये रहा आर, कितना ऊपर हो गया 2R, तो एम जी एच की वैल्यू कितनी हो गई 2R, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पूछा है कि फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेस सी, तो सी पे कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, हम बात कर चुके हैं सी पे कम से कम वेलोसिटी रूट जी आर, तो हम यहां वेलोसिटी रूट जी आर निकाल ले तो पता चल जाएगा ए पे कम से कम कितनी वेलोसिटी हो, तो वहां रूट जी आर रखोगे तो ये हाफ 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 हटाते हैं, एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, टू इधर आ गया, हाफ वाला एलसीएम लिया टू इधर, प्लस एम और ये वी, कम से कम कितनी वेलोसिटी हो सी पे रूट जी आर, तो एम जी आर, यहां से एम 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 मर गया, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर जी आर, टू टू जो फोर, प्लस जी आर फाइव जी आर, इसका मतलब वी ए की वैल्यू अंडर रूट फाइव जी आर या उससे बड़ी। तो अगर C तक जाना है तो वेलोसिटी एट A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। अब इंपॉर्टेंट बातें होंगी, अगर A पे स्पीड रूट 5GR है या उससे ज्यादा है तब पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है, नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कशन कर दिया। कैसे निकाला, हमने कहा यहां कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट GR से ज्यादा चाहिए, और उसके लिए ए पे वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5GR से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जो अभी डिस्कशन किए ना एंगल वाले सब काम आएंगे आगे, खराब कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। अब फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेस बी। अच्छा, बी पे पहुंचेगा तो क्या सर्किल कंप्लीट कर पाएगा, नहीं यार, बी पे पहुंचेगा फिर गिर जाएगा, तो रीचेस बी, आपको ए की ऐसी वेलोसिटी निकालनी है कि पार्टिकल बी तक पहुंच जाए, तो आप एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी, फिर से लगा दोगे यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी कितना ऊपर है आर, तो एम जी आर। काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पे वेलोसिटी वी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यार बी पे कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए थी, बी की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी, बी की क्रिटिकल वेलोसिटी जीरो थी, याद है अभी डिराइव किया था हमने, बी पे कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए थी जीरो, जीरो भी मिल जाए तो सर्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रख दोगे, सो एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम जी आर, और वो जीरो हो गया, वी ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर। तो ए पे वेलोसिटी रूट टू जी आर हो या उससे ज्यादा हो तो पार्टिकल बी तक पहुंच जाएगा, रूट टू जी आर हो या उससे ज्यादा हो तो बी तक पहुंचेगा, ठीक है, रूट फाइव जी आर उससे ज्यादा हो तो पूरा सर्किल घूम लेगा। अब दो बातें और आती हैं, मतलब सारी लिमिट्स हो गई, इतना हो गया, अब सारी बातें करने वाले डिटेल में, मतलब ए पे स्पीड दी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव जी आर तो सर्किल कंप्लीट, 5GR दिया तो यहां तक पहुंचेगा तब भी सर्किल कंप्लीट, उससे कम दिया तो अभी छोड़ देते हैं उसको, वापस आते हैं, 2GR दिया तो यहां पे वेलोसिटी जीरो, स्ट्रिंग यहां पे जाके स्लैक पड़ेगी, वापस आ जाएगा। ग्रेटर देन 2GR दिया तो अभी इसको छोड़ देते हैं, लेस देन 2GR इससे भी कम स्पीड दी, इससे अगर कम स्पीड दोगे बच्चों तो क्या होगा, इससे भी कम तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, यहां तक नहीं पहुंचा तो क्या, यहां जाएगा और ऑसिलेशन करेगा, सर्किल तो नहीं छोड़ेगा ना, इसके अंदर सर्किल तो नहीं छोड़ सकता था, पक्का नोट कर लें, इतना कंक्लूजन लिखने वाले हैं हम, तो अब मैं कंक्लूजन आपको देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नोट करें इसको। सबसे पहला, VA पे वैल्यू अगर लेस देन हुई रूट टू जी आर तो क्या होगा, अगर इससे भी छोटी हुई स्पीड तो पार्टिकल बी तक नहीं पहुंचेगा, ए से बी के बीच में कहीं रह जाएगा, है ना, पार्टिकल
मूव्स इन सर्कुलर आर्क बिटवीन ए एंड बी वेलोसिटी विल बिकम जीरो बिफोर बी टेंशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स नोट करें अगर आप इससे कम स्पीड दोगे तो क्या होगा पार्टिकल सर्कुलर आर्क में रहेगा ए से बी के बीच में अगर रूट टू जी आर देते तो वेलोसिटी यहां पहुंच के जीरो होती रूट टू जी आर से भी छोटी स्पीड दोगे तो वेलोसिटी और पहले जीरो हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम हो रही है तुम रूट टू जी आर देते तो वेलोसिटी यहां जीरो होती उससे भी कम दोगे तो बीच में कहीं जीरो हो जाएगी तो मैंने वही लिखा बिटवीन ए एंड बी वेलोसिटी विल बिकम जीरो बिफोर बी बट टेंशन विल नॉट बिकम जीरो टेंशन नहीं है स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स क्योंकि हम चेक कर चुके हैं ए से बी के बीच में टेंशन कैसी थी पॉजिटिव मतलब सर्कुलर पाथ छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं नोट करें वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ रही हैं लेक्चर लंबा है क्योंकि ये टॉपिक कंसेप्चुअल है 5 मिनट में मैं पढ़ा सकता था इसको तुमने देखा मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे 1 सेकंड में डिराइव कर दिया फिर भी मैंने कॉस थीटा फाई के कंसेप्ट तुमको समझाए क्योंकि तुम्हें न्यूमेरिकल करने हैं यार एम्स लेवल के नीट लेवल के हाँ मेंस लेवल के एडवांस लेवल के तो उसके लिए सब आना चाहिए सो अगर रूट टू जी आर से कम स्पीड दोगे तो पार्टिकल सर्कुलर आर्क में चलेगा और कहीं ना कहीं पहले उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी पर टेंशन जीरो नहीं होगी स्लैक नहीं करेगा पहली कंडीशन नोट कर ली बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अगली बात अगर वी ए की वैल्यू 2gr के बराबर हो जाए तो क्या होगा पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क फ्रॉम ए टू बी और अगर रूट टू जी आर दोगे तो बी पे जाएगा और बी पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो और बी पे टेंशन भी कितनी हो जाएगी जीरो और स्ट्रिंग यहां पे जाके क्या कर जाएगी स्लैक कर जाएगी अब की बार वेलोसिटी एट बी जीरो टेंशन है दोनों चीजें वहां पे जीरो और स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी और क्या होगा इसका सिंपल फ्री फॉल होगा अंडर ग्रेविटी नेक्स्ट अभी मैं फिर से देखो स्किप करूंगा ये दो बातें हुई अब मैं बोलूंगा इफ वी एज ग्रेटर देन रूट फाइव जी आर सीधा इसकी बात करूंगा यहां पे गिवन वेलोसिटी रूट फाइव जी आर से ज्यादा हो तब क्या होगा भाई रूट फाइव जी आर से ज्यादा होगा तो इसी को भी क्रॉस कर जाएगा वेलोसिटी नेवर बिकम्स जीरो टेंशन नेवर बिकम्स जीरो कंप्लीट सर्कुलर मोशन सबसे प्यारा अब ऐसी वैल्यू अगर एग्जाम में देता है तो यार बहुत बढ़िया बात है आपको गिफ्टेड सवाल है कंप्लीट सर्कुलर मोशन पर इसी में अगर वी ए इक्वल टू रूट फाइव जी आर हो इक्वल टू फाइव जी आर में क्या होगा सी पॉइंट पे पहुंचकर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रूट जी आर और वेलोसिटी रूट जी आर मतलब टेंशन एट सी कितना हो गया जीरो पर स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी क्योंकि सी से थोड़ा सा आगे बढ़े तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा तो अभी भी सर्किल कंप्लीट होगा तो मैंने आपको चार कंडीशन दी कि वी रूट टू जी आर से कम है तो इसमें ऑसिलेट किया रूट टू जी आर के बराबर है तो यहां तक पहुंचा रूट फाइव जी आर से ज्यादा है तो सर्कुलर मोशन और रूट फाइव जी आर के बराबर है तो यहां तक पहुंचा यहां वेलोसिटी रूट जी आर और टेंशन जीरो तब भी सर्कुलर मोशन अब लास्ट पॉइंट आता है जो आप भी सोच रहे हो बहुत देर से जो मैं आपको बताना चाहता था इफ वेलोसिटी एट ए इज लेस देन रूट फाइव जी आर बट ग्रेटर देन रूट टू जी आर नोट करें नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वेलोसिटी रूट टू जी आर से ज्यादा है मतलब यहां से आगे कहानी बढ़ेगी रूट फाइव जी आर से कम है मतलब वहां कहानी नहीं पहुंच पाएगी सो पार्टिकल लीव्स सर्कल बिटवीन बी टू सी वेलोसिटी नेवर बिकम्स जीरो वेलोसिटी नेवर बिकम्स जीरो इंस्टेड टेंशन बिकम्स जीरो एंड स्ट्रिंग स्लैक्स पार्टिकल टेक्स पैराबोलिक पाथ एट दैट पॉइंट चलिए नोट करें अगर वेलोसिटी ए पे अंडर रूट 5 जी आर से कम पर अंडर रूट 2 जी आर से ज्यादा
तो पार्टिकल बी से सी के बीच में सर्किल को छोड़ देगा, उस जगह पे सर्किल को छोड़ेगा जहां पे उसमें टेंशन जीरो होगा। और जब छोड़ेगा तो कौन सी पाथ लेगा? पैराबोलिक पाथ लेगा। पर बी से सी के बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाली है, वो पार्टिकल सर्किल को छोड़ेगा जस्ट बिकॉज टेंशन बिकम्स जीरो। दिस वॉज ऑल द कंडीशंस दैट आई कैन हैव ऑल द। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, एक मिनट पॉज करके सब रिवाइज करो, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के। तो आइए हम लोग सवाल करने स्टार्ट करते हैं इन कंसेप्ट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट सच ए स्पीड सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, फाइंड टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। चलिए अब हमको एक सवाल दिया है इन्होंने कि एक बॉल को फाइंड टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, ऐसा कर लो, फाइंड टेंशन एट ए बी एंड सी। अब हमको एक सवाल दिया कि ये वही वाली बॉल है और इसको हमने यहां से प्रोजेक्ट किया है ऐसी वेलोसिटी के साथ, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट सच ए स्पीड सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्किल, ऐसी स्पीड से फेंका कि सर्किल जस्ट कंप्लीट हो। तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो बच्चों यहां से ऐसी स्पीड की सर्किल जस्ट कंप्लीट हो कौन सी होती है? अंडर रूट 5gr। अब हमसे बोल रहा है क्या क्या निकालिए? टेंशन एट ए बी एंड सी। तो ए पे वर्क करें टेंशन के लिए, ए पे फोर्सेस देखें, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन t और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ कितनी? mv स्क्वायर बाय r। अब आप टेंशन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? टेंशन एट ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो mg प्लस mv स्क्वायर की जगह 5gr, v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5gr अपॉन r, r से r मर गया, 5mg प्लस mg। तो टेंशन एट a कितना हो गया? 6mg। तो a पे टेंशन निकल आया है 6mg। फिर टेंशन कहां पे निकालनी है? b पे। तो हम पहुंच गए b पे बच्चों, b पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। कौन बोला? ना, जीरो तब होती जब यहां से स्पीड कितनी होती? √2gr, तब जीरो होती। अभी b पे वेलोसिटी कितनी है निकालनी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट ए लेंगे, एक पॉइंट बी, हाइट कितनी हुई? आर। तो पॉइंट ए और बी में लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी कितनी हाइट पे है? आर, एम जी आर। काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब वी एम को पता है कितना है? 5gr। एक तो mm कैंसिल हो जाएगा, हाफ वी ए का स्क्वायर मतलब 5gr इज इक्वल टू m कैंसिल हो गया है, gr प्लस हाफ m, m कैंसिल हो गया ना, हाफ वी बी का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5gr इज इक्वल टू gr, ये हो जाएगा 2gr 5gr 2gr प्लस vb का स्क्वायर। तो यहां से vb का स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr माइनस 2gr 3gr, तो vb कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3gr। यानी यहां पे इस टाइम स्पीड कितनी होगी? रूट 3gr। ये निकालना पड़ेगा, जीरो नहीं होगी, जीरो तब होती थी जब यहां से रूट 2gr देते थे, 5gr गया, यहां जाते आते रूट 3gr हुई है। अब b पॉइंट पे हमको टेंशन निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकाला समझ में आया? अब हमें b पर टेंशन निकालना है, तो B पे टेंशन निकालना है, तो टेंशन लगेगा अंदर की तरफ T, mg लगेगा नीचे mg, और इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r। तो टेंशन सीधा mv स्क्वायर बाय r के इक्वल हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। वेलोसिटी कितनी है? रूट 3gr स्क्वायर 3gr डिवाइडेड बाय r, r से r मर गया, टेंशन एट b 3mg, दिख रहा है? टेंशन एट b 3mg, तो B में भी टेंशन आ गया मेरे पास, तो B पे टेंशन है 3mg। फिर हमको टेंशन निकालना है C पे, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब आप कंसेप्ट लगा सकते हो, इन्होंने हमसे कहा है
if a ball is projected at such a speed so that it just completes the circle. भैया just completes the circle मतलब यहां जाके tension कितना हो जाए? Zero. यहां सिर्फ velocity के दम पे ball आगे बढ़े, तो सीधा सीधा बोल सकते हो C पे tension कितना होगा? Zero. क्या C पे velocity भी zero होगी? ना. C पे velocity कितनी आएगी इस condition में? Just complete the circle under root GR. Under root GR. तो जब यहां से root 5 GR से फेंकते हैं तो यहां पे velocity zero नहीं होती है और पूरा सर्किल कंप्लीट होता है, यहां टेंशन जीरो होता है और यहां स्पीड रूट जीआर होती है. टेंशन देखो सबसे ज्यादा कहां पे है? ए पे, उससे कम बी पे और उससे कम सी पे. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेंशन कम हो रही है. वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां है? ए पे, उससे कम बी पे, उससे कम सी पे. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी भी कम हो रही है. टेंशन और वेलोसिटी दोनों ऊपर जाते वक्त कम होती हैं, पर इस बीच में टेंशन जीरो नहीं होता. इस बीच में टेंशन जीरो नहीं होता और इस बीच में वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाती, टेंशन जीरो हो जाता है. दो तीन बातें हैं याद रखो. चलो सवाल कराते हैं, फिर जितना न्यूमेरिकल करते जाओगे आप समझ जाओगे. मैंने करीब 40 मिनट्स आपको इसका कांसेप्ट समझाया है. अगर आप उतना बेयर कर ले गए हो तो फिर तो क्वेश्चंस आप धड़ाधड़ गिराते जाओगे. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इन द सेम क्वेश्चन. इस बार मान लो बना देता हूं, यहां से वही सवाल है और इस बार मैंने इसको फेंका है यहां से विद द स्पीड ऑफ अंगड़ी डीबू विद द स्पीड ऑफ अंडर रूट 2 जी आर. ठीक है, यहां रेडियस आर है, ग्रेविटी जी है, अगेरा अगेरा. इसको मैंने रूट 2 जी आर स्पीड से यहां से फेंका, तो आप मुझे बताओ ये कहां तक जाएगा, क्या होगा, सारी कहानी आप मुझको बताओ. तो 5 जी आर से कम स्पीड है मतलब पूरा सर्किल नहीं कंप्लीट करेगा. रूट 2 जी आर मतलब कहां तक जाएगा? इस पोजिशन तक जाएगा. यहां जाके इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बी पॉइंट पे जीरो. टेंशन कितना हो जाएगा बी पॉइंट पे? जीरो. चाहो तो निकाल के देख लो, ये आर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पॉइंट ए पॉइंट बी. ए इज इक्वल्स टू बी, यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी. ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है? रूट टू जी आर, तो टू जी आर. पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी कितना ऊपर है? हार, तो एम जी आर. काइनेटिक एनर्जी एट बी नहीं पता, हाफ एम वी बी स्क्वायर, टू से टू मर गया, एम जी आर इज इक्वल्स टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर. ये देखो मर गया, यहां से दिख रहा है वी बी की वैल्यू कितनी है? जीरो. तो यहां आके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. फिर टेंशन अंदर की तरफ लगेगा और बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर. अब वी ही जीरो हो गया तो ये जीरो, तो टेंशन किसके इक्वल होगा? जीरो. तो इस केस में यहां पे आके वेलोसिटी भी जीरो, टेंशन भी जीरो और बॉल वापस आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. मान लो यहां पे ये स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ एल है, ओके, और यहां से हमने बॉब को स्पीड दी वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 जी एल. अब आप मेरे को बताइए व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. अब आपको खुद से करना है, फाइंड टेंशन एट ए कॉमा बी एंड सी. तो वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. टेंशन एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. ए बी और सी पर टेंशन निकालें, ए बी और सी पर टेंशन की वैल्यू को फाइंड करें. चले भाई स्टार्ट किया जाए. बी पे चलें सबसे पहले, तो एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी. बी पे वेलोसिटी मैंने मान ली वी बी. बी कितनी ऊपर है? एल लेंथ ऊपर है. पोटेंशियल एनर्जी एट ए जीरो, काइनेटिक एनर्जी ए हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 जी एल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी. बी एल लेंथ ऊपर है, एम जी एल. काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, एमएमएम सारे मर जाएंगे, ये कितना हो गया 5GL, 2 5s are 10, ये कितना हो गया MGL, सॉरी M मर गया ना, प्लस हाफ VB स्क्वायर. ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो VB स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4GL. ये 2 उधर गया कितना हुआ 8GL. VB की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 8GL. तो यहां स्पीड हो गई अंडर रूट 8GL. अब आप टेंशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एफबीडी बनाओगे, टेंशन अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बोलो एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम जी किधर लगेगा? नीचे, मतलब एम जी का कुछ लेना देना नहीं है. टेंशन किसके इक्वल होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर. तो टेंशन एट बी इज इक्वल टू एम वी बी का स्क्वायर बाई आर. तो एम वी बी कितना है? तो 8
8gl बटे r, r क्या है इस बार, r की जगह l, रेडियस की जगह कितना है लेंथ l है, तो l से l मर गया 8mg, तो b पे टेंशन कितना आ गया मेरा 8mg, तो टेंशन एट b इज इक्वल्स टू 8mg, सही है। टेंशन एट a तो बड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ t नीचे की तरफ mg और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय l, r की जगह l बोल देंगे, तो टेंशन किसके इक्वल हो गया mg प्लस mv स्क्वायर बटे l, mg m v की वैल्यू कितनी है 10gl, 10gl है ना, m into 10gl upon l से l मर गया 10mg, mg कितना हो गया 11mg, तो a पे टेंशन कितना है मेरे पास 11mg, b पे टेंशन कितना है मेरे पास 8mg। अब चलते हैं c की तरफ, तो सबसे पहले c पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी कैसे निकालोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, कैसे निकालोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक c ले लिया एक आपने a ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी एट c प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी एट a प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a। c पे देखो हाइट कितनी हो गई l, ये l, ये कितनी हो गई 2l, मतलब mg 2l, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट a, a पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, v कितना है यहां पे √10gl, इसका स्क्वायर 10gl हो जाएगा, ठीक है, mmm कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2gl plus vc square by 2 is equals to 2 5 10 5gl, तो ये vc कितना आ रहा हमारा vc square by 2 is equals to 5gl minus 2gl 3gl, यहां से 2 इधर जाएगा 6gl, तो vc is equals to under root 6gl, तो यहां पे वेलोसिटी आ रही है under root 6gl, पर वेलोसिटी तो पूछा नहीं, पूछा टेंशन है, तो C पे अगर हम डायग्राम बनाएं, ये सोचो C पॉइंट है, तो C पे टेंशन इधर लगेगी अंदर की तरफ, mg भी नीचे लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगी mv स्क्वायर बाय l, तो यहां से टेंशन की इक्वेशन क्या बनेगी T plus mg is equals to mv स्क्वायर बाय l, यानी T is equals to mv स्क्वायर बाय l minus mg, v की वैल्यू कितनी है √6gl, तो ये हो जाएगा 6 m into 6gl बटे l से l मर गया minus mg, तो 6mg minus mg is 5mg, 6mg minus mg is 5mg, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 5mg, फिर से देखो टेंशन यहाँ पे कितना है 11mg, यहाँ कितना है 8mg, यहाँ कितना है 5mg, घट रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे √10gl, यहाँ पे √8gl, यहाँ पे √6gl, वो भी घट रही है, आराम से पूरा सर्किल हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी अंडर √5gr से ज्यादा थी, अगर 5gr होती तो क्रिटिकल होता, उससे ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं, सिंपल सवाल है, सॉल्व हो गया। अच्छा इसी सवाल को मैं थोड़ा सा एक जगह पे कहीं घुमा देता हूँ, इसी सवाल में एक पार्ट और डाल देता हूँ, आप वो भी करके दिखाओ, क्लियर हो रहा है, मजे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट पार्ट अब अपने आप करके दिखाना, मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान देना सवाल में, थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ, सवाल यही रखते हैं ठीक है, चेंज नहीं करते वैल्यू, यहाँ से मान लो वी ए है अंडर रूट 10gl से फेंका है ठीक है, और अब की बार सर्कल तो कंप्लीट हो गई होगा, हमसे बोलता है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट एक्स पे विच इज 30 डिग्री फ्रॉम हियर, यहां पे आपको टेंशन निकालनी है, चलिए भाई और एक पॉइंट वाई ले लेता हूं, यहां एक पॉइंट वाई है जो यहां से मान लो 60 डिग्री है, यहां पे भी आपको टेंशन निकालनी है, अब कैसे करें, तो पहले एक्स को लेकर चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें एक्स और वाई पे टेंशन निकालनी है ठीक है, अब ए बी सी छोड़ दिया, अब एक्स और वाई पे निकालनी, x को लेके चलते हैं यार, तो एक पॉइंट a हो गया एक पॉइंट x हो गया, सबसे पहले क्या लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ताकि वेलोसिटी निकल आए, तो a इज इक्वल्स टू x, ua प्लस ka इज इक्वल्स टू ux प्लस kx, a पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, v कितना है तो ये इसका स्क्वायर 10gl, पोटेंशियल एनर्जी एट x, ये लेंथ कितनी थी पूरी l, मतलब ये भी l होगा, हमें अब ये हाइट चाहिए, एल का इधर कंपोनेंट ये कितना होगा एल कॉस 30, सही है, ये एल है इधर कंपोनेंट एल कॉस 30, ये पूरी लेंथ भी एल थी, ये हाइट ऊपर गया है, इतनी हाइट ऊपर गया है एमजीएच के हिसाब से, ये एल कॉस 30, तो बचा हुआ कितना हो गया एल माइनस एल कॉस 30, ये हो गई हाइट जो ऊपर गया, सो एम जी एल माइनस एल कॉस 30, समझ में आया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एट एक्स का स्क्वायर, एम 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 सारे मार दो,
कितना हो गया 5GL is equals to MGL common 1 minus cos 30. 1 minus cos 30 is root 3 by 2 plus Vx square by 2. ठीक है, ठीक है, यहां से आप Vx find कर सकते हो कितना आ जाएगा, इसको calculate करना पड़ेगा. तो let this be what 30 जगह इसको theta पे कर ले solve, है ना, ये 30 degree let that be theta. हम equation पूरा theta में solve करते हैं, last में value रख देंगे. तो 1 minus cos theta, ठीक है. तो यहां से Vx square बटे 2, ये सारा टर्म इधर आएगा तो बनेगा, अच्छा m तो कट चुका है ना, तो ये बनेगा 5gl, चलो सॉल्व करते हैं. 5gl is equals to ये क्या होगा, gl minus gl cos theta plus Vx square by 2. तो Vx square by 2 की वैल्यू हो जाएगी 5gl minus gl plus gl cos theta. So this will be 4gl plus gl cos theta. So Vx square by 2 will be equal to 4gl plus gl cos theta. gl common ले लिया, 4 plus cos theta. यानी Vx square is equal to ये इधर जाएगा 2gl 4 plus cos theta. Vx is equal to under root of this value. अब यहां पे cos theta की वैल्यू रख देना under root 3 by 2 और कैलकुलेट कर लेना. तो आपको x पे वेलोसिटी मिल गई है कितनी, under root 2gl 4 plus cos theta, और theta कितना है 30 degree. चलो ये वेलोसिटी मिल गई, अब आपको टेंशन निकालनी है बच्चों, ठीक है. x तक समझ में आई कहानी पूरी, कैसे कैसे किया मैंने, हाइट कैसे निकाली, अब टेंशन निकालनी है बच्चों. तो आ जाओ टेंशन निकालनी है. टेंशन अंदर की तरफ t, नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, पक्का ना, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बटे r, r की जगह l. ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, 30 है बाद में 30 रख लेना, mg cos थीटा, एक mg लगा, एक टेंशन t और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg cos थीटा. अब बताओ यहां से टेंशन किसके बराबर होगा, इधर टेंशन बाहर mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा, क्लियर है. mg का कितना कंपोनेंट गया इस तरफ, mg cos थीटा. सो वी कैन राइट नाउ टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे l प्लस mg cos थीटा. टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, आप वहां से v की वैल्यू निकाल लो जो भी है यहां पुट कर दो, प्लस mg यहां cos 30 की जगह थीटा की जगह cos 30 और उसकी वैल्यू पुट कर दो. नाउ यू कैन गेट द आंसर. अब जो भी वैल्यूज दी हो m की l की जो भी वगैरह वगैरह, है ना, cos 30 हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता था, दैट डजंट मैटर कि यहां पे वैल्यू क्या, करने का तरीका समझ में आया. मैं पूरा मेथड समझा रहा हूं, किसी एंगल थीटा पे अगर दे दे तो कैसे करेंगे. कि यहां तक जाओ, सबसे पहले ये हाइट निकालो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के यहां पे वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लो, सॉरी mg का ये कंपोनेंट लो, mv स्क्वायर / l लो और टेंशन फाइंड करो. अब चलते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालेंगे, वो जो पॉइंट दिख रहा है उसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, ठीक है. अपन इस पॉइंट को कैसे डील करेंगे, अब ये पॉइंट आया अपने पास, आ जाओ. तो x वाला पॉइंट समझ में आ गया नीचे वाला, अब ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं कैसे डील करना है. जैसे कोई पॉइंट ऊपर दे दिया, जैसे दिया है y, अच्छा इसको थीटा ही ले लेते हैं, चलो थीटा, ठीक है. यहां से हमने फेंका va is equals to under root 10gl से, हमसे यहां पे टेंशन वगैरह पूछ रहा है, टेंशन एट y, ठीक है. अच्छा अब क्या किया जाए, 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 सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक पॉइंट a एक पॉइंट y, तो y की एनर्जी इज इक्वल्स टू a की, तो u y plus k y इज इक्वल्स टू u a plus k a. अब y की हाइट कितनी है, y की हाइट है ये पूरी, ठीक है. अब ये कितना है l, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, तो l का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा l cos थीटा, और ये ऑलरेडी लेंथ कितनी है l, तो y कितना ऊपर हो गया l plus l cos थीटा, तो mg l plus l cos थीटा plus kinetic energy half m v y का स्क्वायर, a पे पोटेंशियल एनर्जी 0, a पे kinetic energy half m इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10gl. यहां से आप क्या फाइंड कर लोगे, यहां से यू कैन फाइंड v y, क्लियर, कांसेप्ट बता दिया, m m कैंसिल हो जाएगा वगैरह वगैरह थीटा की वैल्यू रख के. अब बात आई टेंशन निकालने की, तो बच्चों y पे देखो क्या-क्या कहानी होगी, टेंशन इधर लगेगी बाहर की तरफ mv स्क्वायर / l, और mg इधर जाएगा नीचे,
यानी एम जी का कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, ये है तो बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई एल, अंदर की तरफ टेंशन टी, ये रहा एम जी, ये एंगल कितना है थीटा, तो एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा, नाउ यू कैन कैलकुलेट टी प्लस एम जी कॉस थीटा is equals to mv square by l, आपको v की वैल्यू मिल चुकी है वहां से, यहां पे v की वैल्यू रख दो, cos theta की वैल्यू रख दो, you can calculate t at y. तो हमने आपको तरीके बताए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आइए अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं जब पार्टिकल सर्किल को लीव करता है, ये सब सीखना बहुत जरूरी था. अब हम एक बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पार्टिकल विल लीव द सर्किल, ठीक है, आपको हम पहले से रियलाइज भी करा देंगे कि पार्टिकल सर्किल छोड़ने वाला है, ठीक है, टेंशन मत लो. जैसे मान लो ये वही बॉल है, इसको हमने यहां से वेलोसिटी दी वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री जी एल की, ठीक है. अब आपको पता है 5GL नहीं है मतलब सर्किल कंप्लीट नहीं हो सकता है, और 2GL से ज्यादा है मतलब इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा ए बी सी, 2GL से ज्यादा है मतलब इसको क्रॉस करेगा, 5GL से कम है मतलब यहां नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में मर जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा. तो हमसे ये पूछ रहा है एट वॉट At what angle phi particle leaves circle? किस एंगल पे जाके वो सर्कल को छोड़ देगा. तो बच्चों याद रखें जब वेलोसिटी हो बिटवीन अंडर रूट 5GL एंड रूट 2GL तो क्या होगा, ये पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, ये पॉइंट क्रॉस नहीं होगा, इनके बीच में कहीं टेंशन जीरो हो जाएगी पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वहीं पे स्ट्रिंग स्लैक करेगी, वहीं पे स्ट्रिंग स्लैक करेगी और पार्टिकल सर्किल को छोड़ देगा. पार्टिकल विल लीव सर्किल, पार्टिकल विल डेफिनेटली व्हाट लीव सर्किल. तो अब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे पार्टिकल सर्किल को छोड़ेगा, जैसे कि हमने मान लिया कोई एक रैंडम पॉइंट है. अच्छा, जहां पे सर्कल छोड़ेगा वहां पे टेंशन कितनी होनी है अपनी, जीरो. तो हम यहां पे आए, यहां टेंशन बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय एल, इधर एम जी, यहां एंगल फाई, फाई का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस फाई. सो जब हम इक्वेशन लिखेंगे टेंशन अंदर एम जी कॉस फाई, एम वी स्क्वायर बाय एल बाहर, तो टी प्लस एम जी कॉस फाई इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. mg cos phi is equals to mv square by l, mm cancel, यहां से v is equals to gl cos phi under root, ये वेलोसिटी होगी तब पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा, ठीक है भाई, इस वेलोसिटी पे आके सर्कल छूट जाने वाला है, ठीक है भाई. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, लेट दिस पॉइंट बी नेम्ड एज p, सो पॉइंट ए की एनर्जी इज इक्वल्स टू पी की एनर्जी, तो यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू पी प्लस के पी. ए में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 3GL का स्क्वायर 3GL. यू पी में पोटेंशियल एनर्जी, अब पी कितनी हाइट पे है, पी बच्चों इस हाइट पे है ना, देखो ये लेंथ कितनी है एल, है ना, ये लेंथ एल है, देखो कहां बनाओ, यहां बना लो, चलो ठीक है, ये फाइव, ये लेंथ एल है बच्चों, अगर मैं ये गिराऊं ये एंगल कितना होगा फाई, तो ये कितना होगा एल कॉस फाई, और ये कितना है एल, तो कितनी हाइट पे हो गया एल प्लस एल कॉस फाई, क्लियर है, व्हाट इज दिस एल, ये एंगल भी फाई, तो ये वाली हाइट निकालूंगा कितनी आएगी एल का ये कंपोनेंट एल कॉस फाई, देखो ये एंगल कितना है फाई है भाई, तो एल का ये कंपोनेंट एल कॉस फाई और ये भी एल, तो कितनी हाइट हो गई एम जी एल प्लस एल कॉस फाई, L प्लस एल कॉस फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी बच्चों. अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है जी एल कॉस फाइव. बोलो डाउट हो तो बोलो. हमने पूछा है किस जगह पे पार्टिकल सर्कल को छोड़ेगा, वो एंगल फाइव बताना था, तो हमने कहा कि भाई किसी एंगल फाइव पे मान लेते हैं, और पहले हमने कहा यहां पे क्या चीज जीरो हो जाती है टेंशन, तभी सर्कल छूटता है, तो हमने बोला टी अंदर एम जी नीचे, ये फाई तो ये फाई,
mg cos phi और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर हमने टेंशन को जीरो रखा और यहां से हमने v की वैल्यू निकाली। फिर हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, वर्क डन फ्रिक्शन का है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जा सकता है। हमने बोला जितनी एनर्जी ए पे उतनी एनर्जी पी पे, यूए प्लस के इज इक्वल यूपी प्लस के पी, ये रखा ये वगैरह रखा। यहाँ की हाइट निकालने का तरीका ये एल था तो ये एल कॉस फाई, ये एल तो एम जी एल प्लस एल कॉस फाई, और फिर हाफ पी पे हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है पी पे जी एल कॉस फाई रख दिया। यहाँ से एम 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 सबसे मर जाएगा, एम 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 इनफैक्ट शायद जी जी भी मर जाएगा, जी 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 शायद एल एल भी मर जाए, यहाँ से एल कॉमन होके मरेगा। चलो देखते हैं, तो 3L by 2 is equals to, यहाँ से L common हुआ, 1 plus cos phi plus L cos phi बटे 2, तो L L L भी मर गया। तो finally हमारे पास क्या बच रहा है, 3 by 2 is equals to 1 plus cos phi plus cos phi by 2, तो एक काम करते हैं 2 LCM ले लेते हैं, तो 3 is equals to 2 plus 2 cos phi plus cos phi, ठीक है। तो ये उधर गया, कितना हो गया 1 is equals to 3 cos phi, यहां से cos phi की वैल्यू हो गई 1/3 and that is the answer। कितने एंगल पे छोड़ेगा सर्किल को यहां से, जब एंगल कितना होगा 1/3, यही सवाल इसमें सबसे अच्छे बन सकते हैं। फिर से बताता हूं, रूट टू जीएल से कम स्पीड हो तो इसी में रह जाएगा, रूट टू जीएल हो तो यहां आएगा, रूट टू जीएल से ज्यादा हो, 5 जीएल से कम हो तो यहां कहीं पे सर्किल को छोड़ देगा, जहां पे छोड़ेगा वहां पे टेंशन को जीरो कर लो, टेंशन जीरो करने से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा, उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को उठा के एनर्जी के एक्सप्रेशन में रख दो जिससे तुमको एंगल प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। और 5 जीएल से भी ज्यादा है तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया एकदम मस्त, क्लियर हो गया अच्छे से एकदम। और क्या कर सकते हैं, और बदमाशी कर सकते हैं, एल की वैल्यू दे देंगे आपको, ठीक है, आपको एल की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, और यहां वी की वैल्यू दे देंगे, फिर आपसे कहेंगे सवाल करके दिखाओ, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्या करेंगे, जैसे मान लो इसी सवाल को देखो, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूं, फिर आपको यही सवाल फिर से देता हूं, आई विल सर्व यू द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट मैनर। मान लो यहां पे हमसे कहा कि इसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स, ठीक है, इसका मास हमको नहीं दिया, लेट द मास बी एम, और हमसे बोला इसको हमने जो वेलोसिटी दी है बच्चों वो है अंडर रूट 57 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा ये पार्टिकल सर्किल छोड़ेगा कि नहीं, और छोड़ेगा तो किस हाइट पे छोड़ेगा, हमसे सवाल है क्या पार्टिकल सर्किल छोड़ेगा, हाँ या ना, और छोड़ेगा तो किस हाइट पे छोड़ेगा, एंगल नहीं पूछा, एट वॉट हाइट, एट वॉट हाइट इट लीव्स सर्कल, हमसे ये सवाल पूछा। चलिए ट्राई करिए, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो किस हाइट पे छोड़ेगा, तो पॉज करके ट्राई करें, पॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस अब मैं करने जा रहा हूं, पॉज कर लो, अभी भी टाइम है, कोशिश कर लो पॉज करके 10 मिनट 15 मिनट। सबसे गंदी हैबिट देखो यही होती है कि आप क्वेश्चन पे ट्राई नहीं करते हो, 2 मिनट में गिव अप कर देते हो, 5 मिनट में गिव अप, नहीं यार ट्राई करो, 15 मिनट लगे रहो उस पे, तभी आएगा, जो लोग बोलते नहीं मेरे नहीं सॉल्व करा, चलो वीडियो बनाऊंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चेक करो ये वेलोसिटी है कहां पे, तो यार हम यहां से एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जीएल की वैल्यू जरा निकाल लें, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 5 जीएल की वैल्यू जरा निकाल लें, पता चले कि वेलोसिटी दी हुई कहां पे लाई कर रही है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इनटू g कितना हुआ 10, l कितना है 1.5, तो ये हो गया अंडर रूट 30, और ये वाला कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, एल कितना है 1.5, तो ये कितना हो गया 75, ठीक है। तो जो 5 जीएल वाली वैल्यू है वो रूट 75 है, 2 जीएल वाली रूट 30 है, और गिवन वाली 57 है, यानी कि जो वी आपको गिवन है दैट इज लेस देन रूट 5 जीएल एंड ग्रेटर देन रूट 2 जीएल, तो डेफिनेटली सर्कल तो छूटेगा, क्लियर हुआ। यही हो सकता है कि वैल्यू दे दे आपको, चेक कर लेना आप जो वैल्यू दी हुई है वी की, वो देखो रूट 2 जीएल और 5 जीएल के बीच में, नहीं होती तो सीधा आंसर मारते, पार्टिकल सर्कल छोड़ेगा ही नहीं, एक ऑप्शन होता, खेल खत्म। तो वैल्यू चेक कर लो, चेक कर लिया हमने, हाँ भाई वी 30 से 75 के बीच, रूट 30 से रूट 75 के बीच में तो सर्किल तो छूटेगा। अब बात आती सर्किल कहां पे छूटेगा,
तो कहाँ पे छूटे के लिए हमें टेंशन ही नहीं लेना, हमें एक प्रोसीजर हमारे पास है उसको हम फॉलो कर लेंगे। हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पी पॉइंट पे छूटा होगा, पी पॉइंट यहाँ से कितने एंगल पे होगा, फाई एंगल पे होगा, हम इसको ए बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू पी यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू पी प्लस के पी। यू ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर 57 इज इक्वल्स टू यू पी। पी वी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, ये है कितना लेंथ एल और ये L है, तो ये कितना हो जाता था L cos phi, क्यों ये एंगल भी phi, L cos phi और ये भी L, तो कितनी हाइट हुई L plus L cos phi, तो mg L plus L cos phi और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी पी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो mmm सारे मरने वाले हैं, mmm मर गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 57 is equals to 2g L common 1 plus cos phi plus vp का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से आप क्या लिख सकते हो, जी की वैल्यू 10 डाल दो, 57 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, एल की वैल्यू दी हुई है 15, 1.5 वो भी डाल दी मैंने, 1 प्लस कॉस फाइव, देखो वैल्यू सारी दी हुई थी, प्लस वीपी का स्क्वायर, तो 57 इज इक्वल टू 30 प्लस 30 कॉस फाइव प्लस वीपी का स्क्वायर। तो यहां से वीपी का स्क्वायर इज इक्वल 57 माइनस 30 कितना हो गया, 27 माइनस 30 से लिखा है, 27 माइनस 30 कॉस 5। चलो एक तो यहां से तुमने निकाल के इसको रख लिया है, अच्छा भाई, अच्छा 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 अच्छा। अब क्या किया जाए, अब हमको पता है कि P पे सर्किल लीव कर देगा, तो P पे टेंशन को जीरो कर देते हैं, तो P पे आएंगे टेंशन अंदर की तरफ, T बाहर की तरफ, एम वी स्क्वायर बाई एल नीचे की तरफ, एम जी, एम जी का कॉम्पोनेंट इस तरफ, एम जी कॉस 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T प्लस एम जी कॉस फाइव इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, एम से एम नहीं भी नहीं मारो सॉरी, तो T कितना हो जाएगा, टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। भाई इस पॉइंट पर सर्किल लीव करना है मतलब टेंशन जीरो, स्ट्रिंग को स्लैक करा देंगे तो टेंशन जीरो हो गया, अब एम से एम मर जाएगा, हाँ, तो G कॉस फाइव इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई एल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी हो गई, आराम से, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई gl cos phi, gl cos phi, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gl cos phi, या v स्क्वायर की वैल्यू gl cos phi जो लिखना चाहो, v स्क्वायर इज इक्वल टू gl cos phi, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो gl cos phi, तो v स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया gl cos phi। अब g की वैल्यू 10, l की वैल्यू 1.5, तो 10 into 1.5 इंटू कॉस, समझ में आ रहा है, दो ही एक्सप्रेशन है, एक बनाया फोर्स वाला जिसमें टेंशन जीरो रख के वी की वैल्यू निकाली, एक एनर्जी वाला वहां से वी की वैल्यू निकाली और उसमें उठा के इसको पुट कर दिया वी वाली वैल्यू को, जो वी वाली वैल्यू इधर से आई है इस पॉइंट के लिए टेंशन जीरो करके वही वी की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, इज इक्वल टू 27 माइनस 30 कॉस 5, ठीक है, तो ये हो गया कितना 15 कॉस 5 है ना, और 30 कॉस 5 तो उसको इधर ले आए, ठीक है, तो 15 कॉस 5 30 कितना हो जाएगा, 15 cos phi 30 इधर आ जाए कितना हो जाएगा 45 cos phi इज इक्वल्स टू 27, यहां से आप cos phi निकाल सकते हो, है ना, आइए कैलकुलेट कर ले, 45 cos phi इज इक्वल्स टू 27, 9 से कट रहा है, 9 3 इज 27, 9 5 इज 45, cos phi की वैल्यू आ रही 3/5, cos phi की वैल्यू है 3/5, हमसे cos phi तो नहीं पूछा, हमसे पूछा था कितनी हाइट पे सर्कल छूटेगा, तो यार हाइट कितनी होगी l plus l cos phi, यू कैन फाइंड इट, क्लियर है, खत्म, हाइट जिस पे छोड़ा l plus l cos phi, l की वैल्यू 1.5 plus 1.5 into cos phi कितना है 3/5, सो दिस विल बी 1.5 plus 15 0.3 into 3/3 is 9, 1.5 plus 0.9, so 9/5, 14, 2.4 meter, यहां से कितने ऊपर 2.4, क्लियर हुआ, दो जगह से velocities की वैल्यू निकाली, एक बार इस एक्सप्रेशन से टेंशन जीरो करके, एक बार एनर्जी इक्वेट करके, दोनों वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेट किया जिससे cos phi आया, हमसे phi नहीं पूछा था, हाइट पूछी थी, हमने कहा l plus l cos phi, l की वैल्यू रखी, वैल्यूज रखी और सॉल्व कर दिया, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो सर्किल को छोड़ भी रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, और उसके लिए कंडीशन थी रूट फाइव जीएल से रूट
2gl के बीच की स्पीड हो, तभी सर्किल को छोड़ देगा। वैल्यूज देके दे, जैसे यहां पे दिया, या सीधा वेरिएबल्स आपको दे दे। इससे ज्यादा और आपको सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं मिलेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ और भी तरह के सवाल होते हैं, जैसे एक होता है रॉड का सवाल, एक होता है मेरे पास रॉड का सवाल, ठीक है, एक होता है मेरे पास रॉड का सवाल और एक होता है मेरे पास सर्कुलर शेल का सवाल। जैसे मान लो हमसे बोल दिया एक सर्कुलर शेल है, इसको देखो कहानी है वही, हमसे बोल दिया एक सर्कुलर शेल है मेरे पास, ठीक है, और यहां एक बॉल है इसमें नीचे ए पे, इसको मुझे ऊपर फेंकना है विद सम वेलोसिटी सच दैट वो पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। तो हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए और ये रेडियस कितना है आर। देखो है कहानी वही है ना, कुछ लटकी नहीं किसी चीज से, ये सी बनाया है मैंने कि इस सर्किल का रेडियस कितना है, इस स्फेरिकल शेल का रेडियस कितना है आर। हमको यहां से इसको इतनी वेलोसिटी से फेंकना है इट कंप्लीट्स होल सर्किल, पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए। तो VA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमको ऑप्शन दे दिया अंडर रूट 3GR, ऑप्शन बी अंडर रूट 2GR, ऑप्शन सी हमको दे दिया अंडर रूट 4GR, ऑप्शन डी हमको दे दिया अंडर रूट 5GR। तो हमसे पूछा कितनी स्पीड से फेंके कि पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए, तो बच्चों कितनी स्पीड से फेंकते हैं पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है, अंडर रूट 5GR, जो कि हो जाएगा गलत।